मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। क्या होती मूवी की अल्टरनेट एंडिंग? क्या नया राधे बनेगा सीरियल किलर? कैसा होगा सलमान भाई का नेगेटिव रोल? तेरे नाम मूवी में हमें सलमान एक ऑब्सेस्ड साइको लवर राधे के अंदाज में दिखे थे, जो हर बार अपनी परफेक्ट लाइफ का हैलुसिनेशन भी करता था। और जब राधे को पता चलता है कि उसकी नीज जारा की शादी रामेश्वर से हो रही है, तब वो मेंटल असाइलम से भाग जाता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि मीरजारा ने सुसाइड कर लिया है, और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। और हम एंडिंग में देखते हैं कि वो फिर से मेंटल असाइलम लौट जाता है। अब इसी कहानी की एक अल्टरनेटिव एंडिंग भी हो सकती थी, जिसमें हमें ये दिखाया जा सकता था कि जब राधे वहाँ से भागकर शादी के मंडप में पहुँचता है, तब वो मीरजारा को किसी और के साथ शादी करते हुए देखकर अग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है, और वहाँ पर तांडव मचा देता है और रामेश्वर को मारने की कोशिश करता है, और मीरजारा से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है, और उसे रोकने के लिए रामेश्वर उसे गोली मार देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि राधे की मेंटल हालत ठीक हो चुकी थी और इसीलिए वो मीरजारा की शादी रोकने जा रहा था। लेकिन जब राधे ने देखा कि मीरजारा ने सुसाइड कर लिया है, तब उसके दिल और दिमाग को बहुत बड़ा झटका लगता है। और नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि राधे ने भी अपनी जान दे दी है, और उसी मेंटल हॉस्पिटल में। या तो इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी हो सकती थी, राधे फिर से पहले जैसा हो जाता और उसकी और मीरजारा की शादी हो जाती, और आखिर में हम इन दोनों लव बर्ड्स को प्यार के गाने गाते हुए देखते। आपको इनमें से कौन सी अल्टरनेटिव एंडिंग पसंद आई, ये हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आजकल तेरे नाम के रीमेक की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, और माना जा रहा है कि जल्द ही सलमान की इस एपिक मूवी का रीमेक बनने जा रहा है। अगर हम इस रीमेक स्टोरी की बात करें, तो मूवी में राधे का किरदार तो फिक्स ही है, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी अलग है। और वो ये है कि राधे जिससे प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली, क्योंकि राधे का कोई वजूद नहीं था। वो अमीर नहीं था और उसके पास उस लड़की की फरमाइशें पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे, और वो लड़की जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, वो उसे बहुत भला बुरा सुनाकर उसकी इंसल्ट करके उसी के सामने एक रिच और पॉपुलर लड़के के साथ अपने प्यार का इजहार करती है। ये बात राधे के दिलो दिमाग पर काफ़ी बुरी तरह से असर करती है, और वो ये ठान लेता है कि वो उससे भी ज़्यादा रिच बनेगा और अपना बदला पूरा करेगा। कहानी जब आगे बढ़ती है, तब हम राधे को एक लाविश होटल से निकल रही एक खूबसूरत लड़की का पीछा करते देखते हैं, और थोड़ी देर बाद वो उस लड़की को अपने चाकू से गला काट देता है, और उसी के खून से उसकी बॉडी के पास बेवफा लिखकर उसकी बॉडी को वहीं छोड़ देता है। तब हम राधे का एक वॉयलेंट और अग्रेसिव अंदाज देखते हैं, और जब वो उस लड़की को मार देता है, तब उसके फेस पर एक अनोखी किलिंग स्माइल होती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि राधे अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, और बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही है कि कोई सीरियल किलर शहर की खूबसूरत लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर रहा है, और वो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ धोखा किया था, और इसलिए वो उन्हीं के खून से बेवफा ऐसा भी लिखता है। और आज तक इस डेडली सीरियल किलर ने कई सारी लड़कियों की जान ली है, और इस किलर की पूरे शहर में दहशत फैली हुई है। ये किलर रात के अंधेरे में आता है और अपना काम पूरा कर जाता है, और ये सुनकर राधे फिर से वही किलिंग स्माइलिंग देता है, और फिर वो अपनी क्लाइंट के साथ मीटिंग कंटिन्यू करता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि राधे ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। दिन के उजाले में बिजनेस डील्स करता है, और रात के अंधेरे में बेवफाओं की जान की डील करता है। आगे भी हम राधे का ऐसा ही एग्रेशन और वॉयलेंस देखने को मिलता है। काफ़ी वक्त हुआ है हमने सलमान को ऐसे नेगेटिव और साइको अवतार में नहीं देखा है। उन्हें फिर से राधे बन देखना और ग्रे रोल में देखना भाई के फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसी कहानी के जरिए हमें सलमान की डार्क साइड भी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू। Yeah.